भी कभी आवाज दे कहीं से, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुले से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, बहुत अच्छा। क्या दिल से गाया आपने आज, मजा आ गया। पापा कैसा लगा आपको? सांस अटक गई। व्हाट ए परफॉर्मेंस, व्हाट ए सिंगिंग। आज इस स्टेज पे आके कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, मुझे तो सब विनर नजर आते हैं। बाबा, मेरे तरफ से तो आप सब लोग विनर हो। गॉड ब्लेस यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। पहली दफा मुझे लगा कि किसी ने ये गाना परफॉर्म किया, वो भी आपने उदित जी के सामने परफॉर्म किया, एंड यू डिड जस्टिस टू द सॉन्ग। मतलब जैसा ये गाना गाया जाना चाहिए वैसा गाया आपने, सो ब्यूटिफुल, आई कैन टेल यू। ये यहाँ पे दो महान शक्तियां मौजूद हैं, इस वजह से हुआ है। एक तो उदित जी ऑफ कोर्स, दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपकी माता जी जो हैं आपके साथ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माँ इतनी दूर से आए और वो बेटा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक्चुअली यहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा ये वो परफॉर्मेंस है कि उदित जी ने जो आत्मा इस गाने में दी है वो कोई भी सिंगर दे ही नहीं सकता, उसके नजदीक आना इम्पॉसिबल था, तुमने बराबर करके दिखा दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। चोहाई ताकत का दूसरा नाम। एक समय था कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट प्लूटो कितना खुश था, देखिए। हैप्पी प्लूटो। लेकिन एक दिन इस लुंगीधारी ने
सोर से छमाई ली ऐसे। इनकी छमाई इतनी पावरफुल थी कि पूरा का पूरा प्लूटो प्लैनेट उड़ के सीधे केरला में इनके मुंह में घुस गया ऐसे। और आज सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स बचे हैं। इतने ताकतवर पर आज भी रात को बाथरूम जाते हैं तो मम्मी को बाहर खड़े रखते हैं। सचमुच बाहर से अखरोट अंदर से किशमिश वैष्णव किश। विजय यार आप अकेले आए हैं, आज फैमिली स्पेशल है, आपकी फैमिली नहीं आई है? मेरे भैया को एक छोटा सा बेबी है। हाउ स्वीट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप फैमिली को तो मिस कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं ना। या ऑफ कोर्स। तो एक काम करें क्या, मुझे लगता है कि आपकी मम्मी को एक फोन लगाना चाहिए और आपकी बात करानी चाहिए। कंट्रोल रूम प्लीज वीजी की मम्मी को फोन लगाया जाए। हेलो मम्मी जी। हेलो हेलो। नमस्ते मम्मी जी। कन्ना अम्मा can you hear me कन्ना? yes के कमो के कम के कम ओने अम्मे अम्मे के कमो के कम। is it over कन्ना अगर आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो पूरा देश समझ पाएगा। अरे यार कनेक्शन ठीक नहीं है, रहने तो कट कर दो ना कॉल। नहीं बट ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। एक और ट्राई कर ले। चलिए एक और ट्राई कर। क्या happening? Try one more time, आवाज आएगी माँ। अरे नहीं आ रही यार, क्या कर आ रही है ना। You can hear her. Yeah, I can hear actually. Say again louder. माँ कन्ना कन्ना बोले जब मिले थे पिछली बार तो आप उनको लेके आई थी इंडियन आइडल जूनियर में 2015 में, और अभी 2020 में वीजी खुद के पैरों पे खड़ा है, इतना मशहूर भी है, इतना पॉपुलर भी है, लोग इसकी आवाज को इतना चाहते भी हैं। उस टाइम और इस टाइम में क्या फर्क नजर आता है आपको वीजी में, हाइट के अलावा? इनसाइड दिस बॉडी ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड मैन। पहले बार घर से 2 महीने से ज्यादा जिंदगी में कभी नहीं गया था, तो He's so much attached to me. Interesting thing is that it seems funny. He's not afraid of elephants, but he's afraid of cockroaches. that is the funny part. But I'll tell you, ma'am, ये जो वैष्णव का प्यार है आपके लिए और ये जो वैष्णव की जो सेंसिटिविटी है, this is what makes him a great musician. So congratulations to you for such a wonderful song. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.